करीब 90 किलो के आसपास, मतलब कि 89.5 केजी, और अब हम अपना बल्क स्टार्ट कर रहे हैं करीब 90 किलो से। तो भैया ये जर्नी शुरू हुई थी 7 साल पहले, जब एक 45 किलो के लड़के ने एक छोटा सा एम रखा था कि भैया बस 60 किलो वजन हो जाए बहुत है। लेकिन आज वही लड़का देख के अपना वजन ये कहता है, बस भगवान की दुआ रहे और ये 100 किलो हो जाए तो भाई मजा आ जाए। तो भैया पहले ये लड़का दिन में 4 अंडे खाने के लिए पैसे इकट्ठे करता था, और आज और इस बल्क में हम आपको अपना जो सप्लीमेंट स्टैक है वो भी दिखा देते हैं। तो उसमें सबसे पहले है ये वे प्रोटीन, ये आपका वे है, देन ये है आपका क्रिएटिन, देन ये है BCAA। तो बहुत ही सिंपल सा एक तरीके से हमारा स्टैक है, यही तीन चीज़ें रहने वाली हैं। क्रिएटिन अभी हम नहीं लेंगे, क्रिएटिन को शायद हम आगे जाके ऐड करें, फिलहाल के लिए हमारे पास होने वाला है सिर्फ वे एंड BCAA। और हाँ भैया, अगर आप हमें थोड़े टाइम से भी देख रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमारा मेन सोर्स प्रोटीन का क्या होता है, और वो होते हैं अंडे। फाइनली अभी हम कुछ ऐसे दिख रहे हैं, मतलब कि हमारे एब्स विजिबल हैं, हमारी मसल डिसेंट साइज, और ये हमारा पोस्ट वर्कआउट पंप के बाद है, मतलब कि जो फिजिक है, और हम काफी ज्यादा एक तरीके से साइज होल्ड करे हुए 90 किलो पे भी, तो फिर मतलब समझ रहे हैं ना, मामला एकदम ठीक है फिलहाल के लिए। अब इसको बल्क में लेके जाना है 98 या 100 तक। तो भैया हम आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे देते हैं, यहाँ हमारी कुकिंग क्लास चल रही है अभी। तो लास्ट टाइम जो हमने बल्क स्टार्ट किया था, वो किया था स्टार्ट हमने 78 किलो से, मतलब कि 78 किलो से हमने स्टार्ट किया था, और वो बल्क हम लेके गए थे करीब 98 केजी तक। प्लान किया था हमने कि भैया 100 किलो तक लेके जाएंगे, लेकिन भैया 98 तक हम गए और फिर पड़ गए बीमार। तो ये गलती हमारी पिछली बार हुई थी, लेकिन इस बार क्या हमने प्लान किया है, तो भैया इस बार हमने प्लान किया है कि इस बार का जो बल्क होगा वो लीन बल्क होगा, मतलब कि पिछली बार हमने भैया कुछ भी नहीं सोचा था, हमारा बस एम था कि भैया किसी ना किसी तरीके से वजन बढ़ाना है, लेकिन इवेंचुअली उसका फायदा हुआ था, हाँ हमने मसल साइज भी गेन किया था, लेकिन इस बार हमने पूरा एक एम सेट करके रखा है कि इस बार जो गेन होगा वो प्योर मसल मास होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोशिश करना है कि मीन गेन ही रखें, यानी फैट परसेंटेज कम से कम बढ़े। हो सकता है कि भैया आप सोच रहे हो कि अंकित भाई आप ऐसा क्या करेंगे इस मीन बल्क में जो पिछली बार नहीं किया था, तो भैया अगर आप हमारी पुरानी वीडियो या फिर पिछले बल्क की वीडियो उठा के देखेंगे, उसको टाइम मिले तो आप देखिएगा जरूर। तो उसमें जो हमने मिस्टेक्स की थी, एक तो ये की थी कि भैया उसमें हमने बिल्कुल भी कार्डियो नहीं किया था, एब्डोमिनल नहीं किया था, और कुछ डाइट में भी मिस्टेक हमने की थी। तो जाहिर सी बात है आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, और वो हमने सीखा। तो भैया इस जर्नी में आप हमारा साथ दीजिएगा, और हो सकता है कि आपको भी इसमें काफी ज्यादा मजा आए, और हमें तो भैया आने वाला है ही। तो हम आपको एक न्योता भेज रहे हैं आपको अपनी इस जर्नी में साथ लेने का, और आप आइएगा जरूर, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।